हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये जो है खबर निकल कर आ रही है कि पेटीएम के अंदर हिस्सेदारी खरीदने से, मतलब कि वो जो बातें हो रही थी उसको जो है अदानी ने जो है खारिज किया कि ये ऐसी बात नहीं है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, आज सवेरे जहाँ तक मुझे पता है सवेरे कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि अदानी ग्रुप जो है वो पेटीएम के अंदर हिस्सा खरीद सकता है। लेकिन तभी मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए सवेरे हमने बात भी नहीं की थी, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद एक अफवाह हो सकता है ऐसा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरिटी आ गई है कि पेटीएम अदानी ग्रुप ने हिस्सेदारी बेचने के संबंध में चल रही बातचीत से इनकार किया, बताया गलत और असत्य। अब आगे देखते हैं क्या है बात कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि वह अदानी समूह को हिस्सेदारी बेचने के लिए कोई बातचीत नहीं कर रही है। अदानी समूह ने भी ऐसी खबरों को गलत और असत्य करार दिया, और 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास पेटीएम का स्वामित्व है। तो और हालांकि जो देखने लायक बात है कि ये जो पेटीएम का शेयर है वो अच्छा खासा भागा आज, शायद जहां तक मुझे याद है अपर सर्किट के ऊपर था। तो अदानी का पावर ज़रा देखिए, अब जैसे ही उनका नाम जुड़ा अदानी ग्रुप, ऐसी कुछ खबरें आई उसके बाद सीधा अपर सर्किट के साथ आज शायद वो बंद रहा, और कल हो सकता है कि उसके अंदर गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि अभी ये जो है ये क्लेरिफिकेशन आया है। आगे देखते हैं, उद्योगपति गौतम अदानी के पेटीएम में संभावित हिस्सेदारी खरीदने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ विजय शेखर शर्मा के साथ बातचीत करने संबंधी खबरों पर 197 कम्युनिकेशन ने कहा कि ये केवल अटकलें हैं, कंपनी इस संबंध में कोई बातचीत नहीं कर रही है। दूसरी ओर अदानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि हम इस आधारहीन अटकलबाजी का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं, ये पूरी तरह से गलत और असत्य है। मार्च के अंत तक विजय शेखर शर्मा के पास व्यक्तिगत हैसियत से पेटीएम की 9.1% हिस्सेदारी थी। विदेशी संस्था रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट के जरिए उनके पास 10.3% हिस्सेदारी थी। नियमों के उल्लंघन के कारण अपनी बैंकिंग इकाई को बंद करने के बाद से पेटीएम ने अपना करीब आधा बाजार मूल्य खो दिया। इसके शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई थी। इसके बाद से अधिग्रहण के संबंध में लगातार अटकलें लगाई जा रही है। तो इसी वजह से हो सकता है कि ये बात का भी, मतलब कि यहाँ पर एक अफवाह जैसी बात हुई थी कि शायद अदानी ग्रुप, क्योंकि कल आपने देखा होगा अदानी ग्रुप के ऊपर एक खबर आई थी कि ये ई कॉमर्स और जो नेट जो है UPI और उस बिज़नेस के अंदर भी उतर सकते हैं, मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट के बाज़ार के अंदर भी उतर सकते हैं। तो हो सकता है इसी वजह से ये अफवाह, मतलब कि इसके अंदर उड़ी हो। अब आगे देखते हैं कि फरवरी में ऐसी खबरें आई थी कि कंपनी अरबपति मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ बातचीत कर रही है, पहले ये भी खबर आई थी, और लेकिन दोनों ही कंपनियों ने इससे इनकार किया था। पेटीएम के शेयर जो पेटीएम ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उपयुक्त विषय संदर्भ में हम स्पष्ट करते हैं कि उपयुक्त खबर अटकलबाजी है और कंपनी इस संबंध में किसी भी चर्चा में शामिल नहीं है। एक समाचार पत्र ने अपनी खबर में दावा किया था कि अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी 197 कम्युनिकेशन में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं, और शर्मा ने अहमदाबाद स्थित उनके कार्यालय में उनसे मुलाकात की। और अब आखिर में देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापारियों सहित ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते वॉलेट और फास्टैग में जमा क्रेडिट लेन देन या टॉप अप स्वीकार करने से 15 मार्च से रोक दिया था। फिनटेक कंपनी 197 कम्युनिकेशन का वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में घाटा बढ़कर 550 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने जनवरी मार्च तिमाही में PPBL में 39% हिस्सेदारी के लिए 227 करोड़ रुपए के निवेश को बट्टे खाते में डाला है, और पेटीएम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO विजय शेखर शर्मा की PPBL में 51% हिस्सेदारी है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। आई होप कि आप सबको इसको समझ में आ गया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे दोस्तों, तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़्यादातर हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। और इस वीडियो के बाद कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।